हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास। स्टूडेंट्स, आज हमारा 37th लेक्चर है। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये एक नया चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10th है। ठीक है, जनरली अब देखो ऑप्टिक्स है, इसके हमने रे ऑप्टिक्स का स्टडी कर लिया है। वहां पर हमने कुछ फिनोमेनास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेनास को जनरली स्टडी किया। अब देखो स्टूडेंट्स, जनरली क्या हुआ, वेव मतलब कि जो लाइट है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, एक रे भी है, बंच ऑफ लाइट रेस। ठीक है, जनरली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में हमने यही स्टडी किया ना, बंच ऑफ लाइट रेस स्ट्राइक कर रहे हैं लेंस को, वहां पर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मिरर्स के केस में और लेंस के केस में। बट अब जो लाइट है, फिर जैसे हमने चैप्टर 8th में रीड आउट किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो हमारे पास वहां पर लाइट है, ठीक है, विजिबल जैसे लाइट है या फिर दूसरे स्पेक्ट्रम्स के लाइट, वो हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं लाइक वहां पर। तो वहां पर भी क्या है कि जनरली हमने स्टडी किया कि वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट्स है वहां पर। ठीक है, ये जनरली हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास है जो लाइट है, ये एक वेव के जैसे बिहेव करेगा। जनरली जो न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर जो थ्योरी पुट किया था, उसमें क्या था कि जो हमारे पास लाइट है, मतलब कोई भी सोर्स है, वो लाइट को एमिट करेगा। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में हमारे पास क्या है कि कोई भी सोर्स मतलब एनर्जी को रेडिएट करेगा, कैसे, पार्टिकल्स की फॉर्म में, और ये पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे। बाद में ये थ्योरी फेल हो गया। ये थ्योरी फेल क्यों हो गया हमारे पास, जनरली कि इस थ्योरी ने कहा कि जो पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, बट ये पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन फिनोमेना को प्रूव नहीं कर पाया। साथ में इसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को थोड़ा प्रूव कर दिया, बट ये हमारे पास पार्शियली जो रिफ्लेक्शन हुआ, पार्शियली रिफ्रैक्शन, इस फिनोमेना को प्रूव नहीं कर पाया। और साथ में इन्होंने कहा कि अगर कोई मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो उसका अगर वो मीडियम ज्यादा डेंसर है, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होगी। बट एक्चुअल में जब लाइक एयर टू वाटर जब लाइट रे ट्रेवल करता है, उस केस में उसका स्पीड उस मीडियम में डिक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी बहुत सारे लाइक थ्योरीज आए। फिर एक थ्योरी आया हमारे पास, हाइगन्स का थ्योरी वेव के ऊपर। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो लाइट है, ठीक है, ये हमारे पास वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, हाइगन्स ने क्या कहा कि जो लाइट है हमारे पास, ये किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वेव्स की फॉर्म में। जनरली हमने देखो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के फिनोमेनास को प्रूव कर दिया। लाइक जो लाइट की हम स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी में जनरली हमने रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और सेकंड रिफ्रैक्शन, इन फिनोमेनास को हमने प्रूव कर दिया रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन के। अब हमारे पास कुछ और भी फिनोमेनास है लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब हम स्टेप वाइज लाइक इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। हमारे पास एक फिनोमेना है इंटरफेरेंस। ठीक है, ये फिनोमेना है एक इंटरफेरेंस। नेक्स्ट हमारे पास एक फिनोमेना है डिफ्रैक्शन, एक फिनोमेना है हमारे पास पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट प्लेयर्स है, वो यूज करते हैं पोलरॉइड ग्लासेस। तो जनरली वो किस लिए कि वो हमारे पास जो लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, वो सभी डायरेक्शंस में, वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट के वाइब्रेशंस को स्टॉप कर देंगे। क्योंकि हमारे पास देखो, हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर 8 में, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो कैसे हैं हमारे पास, ट्रांसवर्स नेचर के। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, इससे कॉम्पोनेंट्स होंगे हर एक डायरेक्शन में, उन कॉम्पोनेंट्स का वो पोलरॉइड्स जो ग्लासेस हैं वो स्टॉप कर देंगे, इसलिए हम उनका वहां पे यूज कर रहे हैं। अब देखो जनरली क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस में होगा हमारे पास दो होल्स होंगे लाइक, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल है,
कंपेरेबल है, जो भी लाइट रे है उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल। तो जनरली यहां पर क्या होगा, इनसे जब लाइट को पास करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन होगा पीछे, उसके ऊपर एक अच्छा सा लाइक हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का एक पैटर्न फॉर्म कर जाएगा, मतलब लाइट वहां पर अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है, अगर होल का साइज ज्यादा है तो जनरली क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है डिफ्रेक्शन। इसमें हमारे पास एक सिंगल होल है, उसका नाम होगा एपरेचर। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, लाइट रेस पास करेंगे तो ये क्या करेंगे, डिफ्रेक्ट करेंगे। लाइक हमारे पास ये होल है, ये डिफ्रेक्ट करेंगे इस वे में या ये डिफ्रेक्ट करेंगे इस वे में, और स्क्रीन पर हमारे पास एक इमेज फॉर्म हो जाएगा। लाइक कैसा, एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, कैसा, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होंगी। वो जो पैटर्न होगा वो होगा हमारे पास डिफ्रेक्शन। तो जनरली इन फिनोमेनास को लाइट रे से, रे ऑप्टिक से हम प्रूव नहीं कर सकते। इन फिनोमेनास को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो लाइट है, इन फिनोमेनास को हम प्रूव कर सकते हैं वेव नेचर से। मतलब जो लाइट है हमारे पास वो क्या, उसके दो नेचर्स होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 11th में आप सब रीड आउट कर चुके हो कि जनरली हमारे पास क्या है कि लाइट ड्यूअल नेचर शो करेगा, एक पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो हम यहां पर वेव नेचर से जनरली इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, रे ऑप्टिक्स के जो फिनोमेनास जो हमने रीड आउट किए थे, रिफ्लेक्शन, इन सबको स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ द लाइट। तो जनरली देखो स्टूडेंट्स, हाइगन्स ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेव नेचर ऑफ द लाइट। उसमें था हमारे पास कि जो हमारे पास लाइट रेस है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। कैसे, जैसे हमारे पास कोई पॉन्ड है, वहां पर अगर हम फिंगर को डिप करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जो वेव्स हैं वो ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो सेम एज इट इज, लाइक जो हमारे पास वेव है, वेव नेचर लाइट का, उसको यहां पर स्टडी करते हैं। तो ये है हमारे पास हाइगन्स ने, हाइगन्स वेव थ्योरी, मतलब हाइगन्स ने प्रपोज किया जो लाइट है हमारे पास वो ट्रेवल करेगा वेव की फॉर्म में, इसके बेसिस पे हमने लाइट की स्टडी किया। तो जनरली देखो, हाइगन्स ने क्या बताया कि हमारे पास जो सोर्स है वो लाइट एमिट करेगा किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, और जो वेव है, ठीक है, जो लाइट है वो ट्रेवल करेगा स्पीड ऑफ लाइट सी से। ये हम जनरली क्लास जो चैप्टर 8th है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल करेगा स्पीड ऑफ लाइट सी से एयर या वैक्यूम में। मीडियम में ये वैल्यू चेंज करेगा, ये भी हम स्टडी करेंगे, वैसे हम कर भी चुके हैं। म्यू इज सी बाई वी, वी इज सी बाई म्यू, ठीक है, तो वो 1/μ टाइम्स ऑफ सी के डिक्रीज कर जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर हाइगन्स वेव थ्योरी, ठीक है। हाइगन्स वेव थ्योरी में क्या है हमारे पास कि लाइट ट्रेवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, इसकी हेल्प से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेनास को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं। दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स बिहेवियर ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स बिहेवियर ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। अब क्या होगा, हमारे पास एक सोर्स है, इससे लाइट रेस हमारे पास एमिट करेगा, ये सभी डायरेक्शंस में ये सोर्स लाइट रेस को एमिट करेगा। ये ओ पॉइंट पर ये हमने एक सोर्स प्लेस कर दिया, ये लाइट रेस को एमिट कर रहा है सभी डायरेक्शंस में। तो जनरली हम यहां पर क्या होगा, हम सेम डिस्टेंस पे सोर्स से चेक करेंगे, ठीक है, सेम डिस्टेंस से। मान लो आर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब क्या होगा, ये जो सर्कल है
इसका जो हर एक पॉइंट है वो एक्ट करेगा, ये जो सर्कल है स्फेयर, ये एक्ट करेगा ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब जो सोर्स है इसने लाइट को एमिट किया। कैसे एमिट किया कि एक तरह से ये ट्रेवल कर रहे हैं फॉर्मल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। कुछ रेडियस आर पे हमने चेक किया कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इस सर्कल पे वो हमारे पास मूव कर रहे हैं अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किससे, स्पीड ऑफ लाइट सी से। मतलब ये हमारे पास हो गया वेव फ्रंट एंड ये क्या हमारे पास वेव फ्रंट, इसको डिफाइन करते हैं वेव फ्रंट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग विद द सेम फेस। लाइक हमारे पास यहां पर क्या है, एक सोर्स है, इसने लाइट को एमिट किया सभी डायरेक्शंस में, किसी एक पर्टिकुलर रेडियस पे हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेस से। अगर मान लो वो वाइब्रेट कर रहे हैं लाइक ट्रेवल कर रहे हैं वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो कोई सेकंड फाइंड आउट करेंगे वो उसमें हो सकता है वाई इक्वल टू बी, एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट हो बट वो भी क्या होगा साइन थीटा, या फिर साइन लाइक जो थर्ड पार्टिकल है उसमें क्या होगा मे बी सी है या ए, एम्पलीट्यूड भी हो सकता है बट साइन थीटा, लाइक साइन थीटा। यहां पर है ना मेरे पास कोई भी फेस नहीं है, like वो सेम फेस में है। अगर वो होता है साइन थीटा और एक साइन थीटा प्लस पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर क्या होगा वहां पर फेस डिफरेंस दो उन पर्टिकुलर पार्टिकल्स है, बट यहां पर जनरली क्या होगा उनमें कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है, वो सेम फेस से ट्रेवल कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास हुआ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या हुआ, इट इज कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग विद सेम फेस ऑन दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट अब इसको जनरली हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो हमारे पास अब यहां पर इन पर्टिकुलर वेव फ्रंट से रिलेट करते हुए हम दो फिनोमेनास को वो स्टडी करेंगे। वेव फ्रंट का ही पार्ट है, एक है प्लेन वेव फ्रंट, एक है स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट हमारे पास है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के जनरली अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक है स्फेरिकल और नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट लाइक हमारे पास एक स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब ये स्फीयर्स की फॉर्म में फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट, इनको अभी स्टडी करेंगे। ये ऐसे हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, लाइक हमारे पास यहां पर एक सोर्स है, एस मतलब सोर्स, इसने लाइट एमिट किया सभी डायरेक्शंस में जो कि मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। डिस्टेंस अगर सोर्स से बहुत ज्यादा है, लाइक हमारे पास ये सन है, तो उसके नियर बाय रीजन में जो वेव फ्रंट्स होंगे वो एक्ट करेंगे ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट इससे डिस्टेंस पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर सन से डिस्टेंस पे हमारे पास जो सर्कल्स होंगे उनका रेडियस क्या हो गया बहुत ज्यादा, तो ये एक्ट करेंगे इन लाइट रेस के लिए ऐसे प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो जनरली हमारे पास वेव फ्रंट है इसके दो टाइप्स है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, नेक्स्ट है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, सोर्स के नियर बाय रीजन में जो वेव फ्रंट है वो है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, सन से लाइक हमारे पास जो सोर्स है उससे डिस्टेंस पे जो वेव फ्रंट्स हैं ये हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करते हैं हम नेक्स्ट। हाइगेंस ने इससे रिलेट करते हुए कुछ पोस्टलेट्स भी दिए विद रिस्पेक्ट टू लाइक वेव फ्रंट से। ठीक है, पोस्टलेट्स ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, ये है हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ हाइगेंस, पोस्टलेट्स ऑफ हाइगेंस
प्रिंसिपल। अब जनरली देखो पोस्टलेट्स ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल है हमारे पास, इसमें है फर्स्ट पोस्टलेट है जो भी वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये जो फर्स्ट वेव फ्रंट है, ठीक है, ये फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ये इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स है वो सब एक्ट करेंगे ऐसे सोर्स के जैसे, और वो सेकेंडरी वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे जो कि मूव करेंगी हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। फिर से बताता हूं, फर्स्ट हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो एक्ट करेंगे सोर्स के जैसे और वो वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे, उन वेव्स का नाम होगा हमारे पास सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। अब देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी every point on the primary wavefront gives out gives out secondary waves that are known as secondary wavelets। मतलब every point on the primary wavefront मतलब first wavefront एक तरह से gives out secondary waves that are known as secondary wavelets। Second point, ये जो secondary wavelets हैं या secondary waves हैं, ये forward करेंगे with the speed of light c, क्योंकि हमारे पास light electromagnetic wave है, ठीक है, इसके पास electric field magnetic field का component भी है, साथ में ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होंगे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जितने भी लाइक वाज स्पेक्ट्रम है वो सब मूव करेंगे आपका स्पीड ऑफ लाइट सी से। तो द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, दीज सेकेंडरी वेवलेट्स spread in all the directions with the speed of light c, ठीक है। जो secondary wavelets हैं ये सभी directions में हमारे पास मूव करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट सी। एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास, यहां पर जो न्यू वेव फ्रंट है वो कैसे मिलेगा, यहां पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कैसे, प्राइमरी वेव फ्रंट इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं एक्ट कर रहे हैं ऐसे सोर्स वेव प्रोड्यूस किए इन्होंने, मान लो ये वेव्स है, ठीक है, हमने टाइम टी के बाद एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इन वेवलेट्स के लिए, तो वो हमें क्या बताएगा, न्यू वेव फ्रंट उस पर्टिकुलर टाइम पर, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी is the common tangent drawn to all the secondary wavelets ठीक है। तो हमारे पास ये है हमारे पास न्यू वेव फ्रंट, इसका नाम क्या होगा हमारे पास, सेकेंडरी वेव फ्रंट, और वो कैसे मिलेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स जो भी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उन पर एक कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर दो। अब इसको स्टडी करते हैं, यहां पर हमारे पास है न्यू वेव फ्रंट, जैसे कि हमें मान लो स्टडी करना है स्फेरिकल वेव फ्रंट को,
स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट को जनरली हमें स्टडी करना है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में हमारे पास क्या है, यहां पर ये सोर्स है, ये हो गया हमारे पास सोर्स, इसने रेस को प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये हमारे पास रेस है जो मूव कर रहे हैं। हमने किसी टाइम पर चेक किया तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट। सोर्स के नियर बाय रीजन में जब भी चेक करेंगे तो हमें कैसे वेव फ्रंट मिलेंगे, स्फेरिकल। तो हमारे पास ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। नेक्स्ट, इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब पॉइंट्स एक्ट कर रहे हैं सोर्स के जैसे। तो फर्स्ट पॉइंट से डेल्टा टी टाइम के बाद ये मूव कर रहा है वेलोसिटी सी से। अब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा डेल्टा टी टाइम के बाद, तो डेल्टा टी टाइम के बाद इसने डिस्टेंस कवर किया सी डेल्टा टी, तो ये पॉइंट यहां पर आ गया। जो सेकंड पॉइंट है जो एक्ट कर रहा है सोर्स के जैसे, इसने भी डिस्टेंस कवर किया सी डेल्टा टी। थर्ड ने भी डिस्टेंस कवर किया सी डेल्टा टी। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड यहां पर सी है, टाइम डेल्टा टी के बाद हम चेक कर रहे हैं ये वेव फ्रंट कहां पर है। नेक्स्ट, ये इसने भी कवर किया सी डेल्टा टी। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो कॉमन टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, ये था प्राइमरी वेव फ्रंट या ओल्ड वेव फ्रंट, अब हमें क्या मिल गया, न्यू वेव फ्रंट। नेक्स्ट, इसका फर्दर थोड़ा और स्टडी करते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं जो न्यू वेव फ्रंट पर हैं, अब ये इनसे भी सी डेल्टा टी टाइम के बाद चेक करो। अब ये अप्रोच कर रहे होंगे कुछ यहां पे ऐसे, यहां पे, तो हमारे पास ये मिल गया न्यू वेव फ्रंट। मींस कि जो हमारे पास सोर्स है प्राइमरी वेव फ्रंट पर, ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, और इन वेव्स का नाम क्या हो गया, सेकेंडरी वेव्स और सेकेंडरी वेवलेट्स। ये हमारे पास है सेकेंडरी वेव्स या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो हमें ओल्ड वेव फ्रंट और न्यू वेव फ्रंट्स मिल गए। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्लेन वेव फ्रंट्स के लिए। अब स्टडी करते हैं फॉर द प्लेन वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में हमारे पास है ये लाइट है, ठीक है, ये सोर्स है, इससे बहुत डिस्टेंस पे जो लाइट रेस है ये ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं लाइट रेस, ये हमारे पास है ओल्ड वेव फ्रंट या फिर प्राइमरी वेव फ्रंट। ये हमारे पास है प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट पर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक्ट करेंगे सोर्स के जैसे। लाइक हमारे पास ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट्स एक्ट कर रहे हैं सोर्स के जैसे। ये सब मूव करेंगे हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा टी टाइम के बाद। हम इसकी चेक करते हैं, तो डेल्टा टी टाइम के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है इसने कवर किया सी डेल्टा टी डिस्टेंस, सेकेंड ने भी चेक कवर किया सी डेल्टा टी डिस्टेंस, इसके लिए चेक करेंगे इसने भी कवर किया सी डेल्टा टी डिस्टेंस। मतलब जो स्मॉल स्मॉल मैंने लाइक वेव्स ड्रॉ किए हैं, ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी वेव्स और सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, सेम एज इट इज यहां पर हम ये स्टडी कर सकते हैं सभी के लिए। सी डेल्टा टी से मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जब कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन सब पॉइंट्स पे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो हमारे पास ये हुआ प्राइमरी वेव फ्रंट और अब हमें मिल गया न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो हमें प्राइमरी वेव फ्रंट कुछ डेल्टा टी टाइम के बाद फिर से चेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक और वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये हो गया सी डेल्टा टी टाइम के लिए, फिर से हमने चेक किया तो हमें मिल गया एक और वेव फ्रंट। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये हमारे पास कैसे एक्ट करेंगे,
प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट, न्यू प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि ये प्लेन्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने यहां पर जनरली मेरे प्यारे बच्चों स्टडी कर लिया है प्राइमरी वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट के लिए ये कैसे कैसे अप्रोच करेंगे। अब हम स्टडी करते हैं हाइगंस के अकॉर्डिंग, प्रूव करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को। ठीक है, अब हमारे पास है ये मे बी 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बोर्ड के में ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है 2 मार्क्स में कि हाइगंस के प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करो। ठीक है, एस्टैब्लिश ए रिलेशन, ये हमारे पास एस्टैब्लिश ए रिलेशन यूजिंग हाइगंस प्रिंसिपल, यूजिंग हाइगंस प्रिंसिपल फॉर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है हाइगंस प्रिंसिपल का यूज करके, किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहां पर हम जनरली क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है, हमें अगर रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है तो हम जनरली यहां पर क्या करेंगे, अगर हमें रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है सॉरी तो हम यहां पर रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इक्वल मिल जाए हमें, मतलब हाइगंस थ्योरी के वेव जो हमारे पास हाइगंस ने प्रपोज किया कि लाइट हमारे पास वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, अब हमने वेव फ्रंट्स को स्टडी कर चुके हैं, इन सब के बेसिस पे हाइगंस के जो पोस्टुलेट्स थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके बेसिस पे अगर हम प्रूव कर दें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का हमने जो रिफ्लेक्शन है इसका हमने एक लॉ को प्रूव कर दिया। ठीक है, उसका मतलब अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो उसका मतलब मैंने हाइगंस से रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को प्रूव कर दिया, मतलब वेव नेचर से हमने रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। अभी तक हम जनरली रेस से ड्रॉ करके, लाइक हमने मिरर है ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे, ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इनको ड्रॉ किया। ठीक है, तो मैं नॉर्मल कह लूं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों सेम मिल गए, बट हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वेव नेचर का यूज करके वहां पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के लॉ को। तो इसको स्टडी करते हैं, इसमें हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक सरफेस है, इस हमारे पास इस सरफेस में ठीक है, अब इस सरफेस में हमारे पास ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हमारे पास नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये हमने पॉलिश्ड किया हुआ है, ये हमारे पास है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जनरली हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा कि हम यहां पर 2 लाइट रेस को कंसीडर करेंगे, वो फॉल करेंगे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे या फिर इस पर्टिकुलर मिरर पर, उनके लिए हमें स्टडी करना है इन पर्टिकुलर लाइट रेस को। तो देखो ध्यान से, यहां पर हमने क्या किया कि ये 2 लाइट रेस हैं, ये इंसिडेंट हुए इस मिरर की सरफेस पे, अब देखो ये पैरेलल लाइट रेस हमने कंसीडर कर लिया कि फर्स्ट एंड सेकंड आर पैरेलल लाइट रेस, अगर ये पैरेलल लाइट रेस है तो किसी इंस्टेंट पर हम कंसीडर कर ले ये एक वेव फ्रंट है जो कि मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सी डेल्टा टी टाइम के बाद हमने चेक किया कि सेकंड से एक वेव फ्रंट यहां पर है, सेकेंडरी वेवलेट एक सेकेंडरी वेवलेट यहां पर है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हो गया न्यू वेव फ्रंट।
ये ऐसे ऐसे अप्रोच कर रहा है इस पर्टिकुलर मिरर की सरफेस को, ठीक है। मतलब प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास मूव कर रहा है टूवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब एक पॉइंट ऐसा होगा कि जो फर्स्ट लाइट रे है ये हिट कर जाएगा मिरर को, तो हमारे पास जनरली यहां पर क्या है कि मान लो सी डेल्टा टी इसने कवर किया, इसने भी सी डेल्टा टी, यहां पर हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमें मिल गया ये वेव फ्रंट। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो ये एंगल सबस्टेंड करेगा ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। प्लेन वेव फ्रंट है हमारे पास किसके लिए, फर्स्ट और सेकेंड लाइट रे के लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, ये जो टोटल एंगल है प्लेन वेव फ्रंट का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे ये है 90, और विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो हमारे पास एंगल है इंसिडेंट लाइट रे फॉर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इस एंगल आई। नेक्स्ट हमारे पास है जो ये रिमेनिंग एंगल है, लाइक ये स्ट्राइक कर रहा है ए, और ये पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं सी, ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं बी, तो हमारे पास एंगल सी ए बी इस एंगल आई। मैंने कहा एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इस एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है। मैंने कहा कि एंगल सी ए बी आई के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों कि एंगल सी ए बी आई के इक्वल है, ये कैसे हुआ, क्योंकि एंगल लाइक जो हमारे पास लाइट रे है फर्स्ट, ठीक है, ये एक्स ये वाई, तो देखो एंगल सी ए एक्स इज 90 और विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एंगल एन ए एक्स इज आई, 90 में से आई को माइनस करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा 90 माइनस आई, और एंगल एन ए बी, एंगल एन ए बी इज 90 डिग्री, ठीक है, 90 में से 90 माइनस 90 आई को माइनस कर दो, 90 से 90 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस आई, तो एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल आई, मींस की एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यहां पर फर्स्ट लाइट रे का, जो हमारे पास लास्ट का जो वेव फ्रंट है, एक तरह से लास्ट नहीं है ये, इसके बाद भी बहुत सारे होंगे, बट अभी के लिए हमने जो ए पॉइंट है ये पॉइंट स्ट्राइक कर गया, मतलब लास्ट वेव फ्रंट का सरफेस पे। जो सेकेंड लाइट रे है इसको फर्दर सी बी डिस्टेंस और ट्रेवल करना है इस मिरर को हिट करने के लिए, मींस कि फर्स्ट लाइट रे का तो ए पॉइंट हिट कर गया, बट जो सी पॉइंट है वो हमारे पास अभी भी मीडियम में ही है, मतलब एयर में ही है। लाइक अगर इसको अभी सी बी डिस्टेंस फर्दर मूव करना है इस पर्टिकुलर सेकेंड रे के सी पॉइंट को, जब ये सी से बी, ये जो यहां पर एक वेव फ्रंट है, लाइक वेव फ्रंट का जो पॉइंट है जो सी पर है, जो एक्ट कर रहा है ऐसे सोर्स, ये सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शंस में करेगा वैसे तो, बट हम इस सी बी के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहां पर ये जब सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा तो बी पॉइंट पर हिट करेंगे कुछ डेल्टा टी टाइम्स के बाद, तो इसने सी बी के ये डिस्टेंस है, स्पीड सी से मूव कर रहा है, तो सी इंटू डेल्टा टी, तो ठीक है ये बी पॉइंट को अब हिट कर जाएगा। सेम टाइम पर जो ए है वो इसका वेट तो करेगा नहीं, बल्कि वहां पर क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्शन का एक फिनोमेना। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइट रे है ये मूव कर रहा है ऐसे रिफ्लेक्ट बैक, ये है वन प्राइम, मतलब फर्स्ट लाइट रे। सेकेंड लाइट रे भी रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ये है सेकेंड प्राइम। अब हमारे पास जो ए पर है पॉइंट, ठीक है, जो एक्ट कर रहा है सोर्स, ये भी सी डेल्टा टी टाइम, सी डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये कवर करेगा, मान लो ये आ गया हमारे पास इस पॉइंट पर। देखो बेटा ध्यान से, सेकेंड लाइट रे का सी पॉइंट पर जो एक पॉइंट है वो सी बी डिस्टेंस कवर करेगा, सेम टाइम पर जो ए पॉइंट है जो मिरर पे है वो भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कितना, सी डेल्टा टी के इक्वल, क्योंकि डेल्टा टी टाइम के बाद हम चेक कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आ गया यहां पर डी। अब डी और बी पॉइंट पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो यहां पर मैंने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया। अब जनरली क्या होगा कि हमारे पास
ये हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमारे पास ये वेव फ्रंट है। हम यहां पर भी बी पॉइंट पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रे है तो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इस केस में अब जनरली हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एंगल आर हमें मिल गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है यहां पर ये जो वेव फ्रंट है बी डी, ठीक है, ये जो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है बी डी, डी बी और टू प्राइम, इसको हम नाम रख देते हैं लाइक ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, तो इसका नाम रख देते हैं एक्स प्राइम, ये हो गया हमारे पास वाई प्राइम। तो देखो एंगल डी बी वाई प्राइम इज 90, एंगल एन प्राइम बी वाई प्राइम इस आर, तो 90 में से आर को माइनस करोगे 90 माइनस आर, तो एंगल डी बी ए इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास है एंगल डी बी ए इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां पे स्टडी किया एंगल ऑफ इंसिडेंट्स को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब मेरे पास जनरली क्या है, हमारे पास जनरली देखो मेरा बेटा यहां पर दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दो ट्रायंगल्स हैं यहां पर, कौन कौन से, ए सी बी और ए डी बी। ठीक है, हम दो ट्रायंगल्स यहां पर कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल्स ए सी बी एंड इन ट्रायंगल ए डी बी। नाउ फर्दर इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी बी एंड ए डी बी, दोनों केस में ए सी बी और ए डी बी एंगल क्या है 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट है, कैसे वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, रेस के साथ एंगल सबसेंड करेगा 90 डिग्री, हेंस एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी एंड दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ए, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट जो हमारे पास साइड ए बी है, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ए बी हमारे पास क्या हो गया कॉमन साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो सी बी है, ये सी डेल्टा टी के इक्वल है, और जो ए डी है ये भी सी डेल्टा टी के इक्वल है, सी बी इक्वल टू ए डी एंड दिस इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, यहां पर साइड भी सेम है इनके दो और साथ में एंगल भी एक सेम है, तो हमारे पास ये कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे पास क्या बोल सकते हैं यहां से, हेंस दिस फर्दर इंप्लाइज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने यहां से देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है सेम। तो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है जो रिफ्लेक्शन है उसमें जो उसके लॉज हैं, उसका एक लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसलिए हमारे पास हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया, किसके बेसिस पे, वेव नेचर पे। ठीक है, तो हमने यहां पर देखो स्टूडेंट्स स्टेप वाइज हम चेक करते हैं, हमने वेव थ्योरी से लाइक जो लाइट है इसका जो वेव नेचर है इसको स्टडी करते हुए हमने अभी रिफ्लेक्शन को प्रूव कर लिया। ठीक है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना को अभी हमने प्रूव कर दिया, अभी हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन फिनोमेना यूजिंग हाइगन्स को। ठीक है, मतलब हाइगन्स प्रिंसिपल को रिलेट करते हुए, उनका यूज करते हुए अभी हम रिफ्रैक्शन फिनोमेना को स्टडी करते हैं। सेकेंड डेरिवेशन है ये हमारे पास, एस्टेब्लिश ए रिलेशन, establish a relation of Huygens principle establish a relation
यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल फॉर द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फिनोमेना के लिए हमें हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करते हुए हमें एक प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, लाइक हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करते हुए एक रिलेशन फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्शन के लिए। देखो रिफ्रैक्शन के हमारे पास लॉज हैं, अगर उनको हम यहां पे प्रूव कर दे तो मतलब वेव नेचर से, तो हम कहेंगे जो लाइट से हमने इसका नेचर वेव, जो वेव नेचर है ये है लाइट के पास, मतलब जो हाइगन्स ने थ्योरी अपना प्रपोज किया कि जो लाइट है ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, इसके बेसिस पे अगर हम कुछ फिनोमेनास को प्रूव कर दें, ठीक है, ऑप्टिक्स से कुछ फिनोमेनास को, तो हम कहेंगे हाँ इसके पास वेव नेचर है। हम जनरली स्टडी कर चुके हैं लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक ट्रांसवर्स वेव भी है, मतलब जो इसके पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब साथ में उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स भी हैं, उसका मतलब वो अपने साथ एनर्जी भी कैरी कर रहा है। अब हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है हाइगन्स के प्रिंसिपल को यूज करते हुए रिफ्रैक्शन के लिए। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्शन फिनोमेना को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन फिनोमेना में हमारे पास क्या है कि साइन आई बाई साइन आर, मतलब अगर हम स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दे तो मतलब हमने किसको प्रूव कर दिया, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में जनरली हम क्या करेंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमने क्या किया, रिफ्रैक्शन फिनोमेना को प्रूव कर दिया। तो इसको हम स्टडी करते हैं सेम एज इट इज है जैसे हमने रिफ्लेक्शन के केस में किया। रिफ्लेक्शन के केस में क्या था हमारे पास, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो इसको स्टडी करते हैं। यहां पर हमारे पास दो मीडियम है, ये है मीडियम फर्स्ट, ये है मीडियम सेकेंड। मीडियम फर्स्ट में जो हमारे पास लाइट रेस है ये ट्रेवल कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट c से, और मीडियम टू में लाइट रेस ट्रेवल करेंगे स्पीड ऑफ लाइट v से, ठीक है। मीडियम है इसलिए हमारे पास स्पीड चेंज कर जाएगा, ये स्पीड हमने कंसिडर कर लिया v। दो लाइट रेस है अब ये स्ट्राइक कर रहे हैं इस मीडियम के सरफेस पे, जो दोनों मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, इस सरफेस पे दो लाइट रेस हमारे पास इंसिडेंट हुए, फर्स्ट लाइट रे सेकेंड लाइट रे, और हमने अज्यूम कर लिया दोनों लाइट रेस पैरेलल हैं, तो एक तरह से प्लेन वेव फ्रंट्स अप्रोच कर रहे हैं। देखना स्टूडेंट्स, अब जो वेव फ्रंट है ये वेव फ्रंट मान लो ये एक्स है ये वाई है, मान लो जो हमारे पास फर्स्ट रे है इसका जो वेव फ्रंट का जो पॉइंट है ये स्ट्राइक कर गया इस मीडियम की सरफेस पे, और ये पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं। सेम टाइम पर जो सेकेंड रे का सोर्स, मतलब जो प्लेन वेव फ्रंट है इस पर जो सोर्स है सेकेंड वेव के लिए, ये भी मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये भी हमारे पास क्या करेगा कि जो भी हमारे पास फर्स्ट रे है इसके वेव फ्रंट के जो भी सोर्स है उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब हम ए और इस पॉइंट पर, मान लो ये कोई एम पॉइंट है, हम यहां पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, लाइक हमारे पास अब है यहां पे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इस लाइट रे ने जो भी एंगल ऑफ फॉर्म किया ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, सेम एज इट इज हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट केस में लाइट रे फर्स्ट ये अप्रोच कर गया हमारे पास सरफेस को, ए पॉइंट पर हिट कर गया, दूसरा जो एम पर एक पॉइंट है इसको फर्दर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, सरफेस को हिट करने के लिए। मान लो कि ये बी पॉइंट पर एम बी जो डिस्टेंस है ये हमने कवर कर लिया सी डेल्टा टी, ठीक है, अब ये कुछ फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सी डेल्टा टी, ये यहां पे हिट कर गया। अब जो हमारे पास है यहां पर ये नॉर्मल से हमारे पास, अब जनरली जो सेकेंड बी पॉइंट पर जो पॉइंट है हमारे पास ये कैसे मूव करेगा, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट सेम
एम पर जो पॉइंट है लाइक जो एम बी है ये सी डेल्टा टी डिस्टेंस है। ए पॉइंट पर हमारे पास जो भी वेव फ्रंट का पॉइंट है जो कि एक्ट कर रहा है सोर्स के जैसे, ये अब ट्रेवल करेगा दूसरे मीडियम में डेल्टा टी टाइम के लिए हमें चेक करना है। ठीक है, डेल्टा टी टाइम के लिए हमें चेक करना है, मीडियम में स्पीड कम होगा। ठीक है, मीडियम में स्पीड कम होगा तो हमारे पास वहां पर ये मूव करेगा कुछ ऐसे, अपने पाथ को चेंज करेगा। पाथ को चेंज किया मीडियम टू में, अब ये ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। लाइक हमारे पास हमने अज्यूम कर लिया कि ए एन पॉइंट तक ये मूव किया एंड ए एन इज इक्वल्स टू वी डेल्टा टी। सेम टाइम डेल्टा टी पे हमने चेक किया, एम पॉइंट मूव कर गया बी पॉइंट पर, ए पॉइंट मूव कर गया एन पॉइंट पर, क्योंकि ए पॉइंट पहले हिट कर गया था इस सरफेस को। अब हमने बी पॉइंट और एन पॉइंट से एक कॉमन टेंजेंट लेके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमने एन पॉइंट, यहां पर एन पॉइंट है, हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमें वेव फ्रंट मिल गया। अब बी पॉइंट है ये भी मूव करेगा मीडियम में। ठीक है, अब जो बी पॉइंट है ये भी मूव करेगा मीडियम में तो हमारे पास ये भी बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि अपने पाथ को चेंज करेंगे, वेलोसिटी क्या हो गया कम हो गया वहां पे। ठीक है, टाइम क्या है सेम। ठीक है, पहले तो सी से मूव कर रहे थे स्पीड ऑफ लाइट, दोनों के लिए डेल्टा टी सेम डिस्टेंस था, सी भी सेम था तो सी डेल्टा टी सी डेल्टा टी। बट अब क्या है, ये दोनों अब आ गए मीडियम में, मीडियम में स्पीड क्या हो गया कम। अब डेल्टा टी टाइम के बाद इनका डिस्टेंस चेक करेंगे तो ये कवर करेंगे वी डेल्टा टी, जो कि हमारे पास सी डेल्टा टी से कम है क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो डिक्रीज कर गया है। ये मूव कर रहे हैं मीडियम वन टू मीडियम टू एंड मीडियम वी मीडियम सॉरी मीडियम टू, ये हमने कंसिडर किया डेंसर मीडियम। तो हमारे पास जनरली जो लाइट रे है इसने सब्सटेंड किया, ये होगा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो ये टोटल एंगल है 90, तो ये होगा 90 माइनस आर, इसलिए हमारे पास ये एंगल हो गया आर। अब हमारे पास यहां पर ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल ए एन बी को स्टडी करते हैं, सेम एज इट इज, यहां भी ये आर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब स्टडी करते हैं इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एन बी, इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एन बी, ट्रायंगल ए एम बी में जो एंगल है ए एम बी ये हमारे पास है 90 डिग्री और एंगल ए एन बी ये भी हमारे पास है 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल्स में ए बी क्या है कॉमन, ए बी इज कॉमन है। अब देखो अब स्टडी करते हैं ट्रायंगल ए एम बी में, इन ट्रायंगल ए एम बी और हमारे पास एक और वैल्यू था यहां पर, जो एम बी है ये किसके इक्वल है सी डेल्टा टी, एम बी इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी और हमारे पास जो ए एन है ये है वी डेल्टा टी, ए एन इज वी डेल्टा टी। तो ट्रायंगल ए एम बी में ए एम बी साइन आई, साइन आई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, साइन आई हमारे पास है एम बी बाय ए बी, फिर हमारे पास ट्रायंगल सॉरी ए बी एन ये आर है 90 एंड साइन आर इज ए एन बाय ए बी। साइन आई और साइन आर के वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया, दोनों वैल्यूज का हम रेशियो रखते हैं। अब हमारे पास एक वैल्यू है यहां पर साइन आई बाय साइन आर एंड दिस इज इक्वल्स टू एम बी साइन आई इज एम बी बाय ए बी इनटू ए एन
बाई ए बी, ए बी ए बी कैंसिल आउट, एम बी बाई ए एन, एम बी हमारे पास है सी डेल्टा टी और ए एन हमारे पास है वी डेल्टा टी, डेल्टा डी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, सी बाई वी, सी हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये इस मीडियम वन के लिए हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, सी हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, वी हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, और जब इनका हम रेशियो रखेंगे लाइक सी बाई वी तो ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, क्योंकि मीडियम टू में वी फिक्स रहेगा, मीडियम वन में सी फिक्स रहेगा, जब इनका रेशियो करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या होगा कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमारे पास ये वैल्यू मिल गया, तो हमें मिल गया यहां से साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमने प्रूव कर दिया, और हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ सॉरी रिफ्रैक्शन में जनरली मेरे प्यारे बच्चों क्या था हमारे पास साइन बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमें ये वैल्यू मिल गया यहां पर, तो हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को यूजिंग वेव थ्योरी भी प्रूव कर दिया। जनरली ऐसे क्वेश्चन टू मार्क्स में पूछ सकते हैं लाइक हाइगन्स के पोस्टर्स को डिफाइन करो और उनका यूज करो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए, तो वहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव कर दो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करो यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, तो वहां पर जनरली हमें क्या करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर देंगे, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर हमें प्रूव कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेरिवेशन है, तो हमने इसको भी हाइगन्स के पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए, हाइगन्स के प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने इस फिनोमेना को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना को प्रूव कर दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो एक नेक्स्ट स्टडी करते हैं। जनरली है ना एक क्वेश्चन होता है लाइक क्वेश्चन होता है एक कन्वर्जिंग लेंस है और इस कन्वर्जिंग लेंस में जनरली हमें पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो लाइट रेस है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब मीट करेंगे इस पॉइंट पे और ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा फोकस, ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस, तो ये फोकस यहां पर ही क्यों मिला। ठीक है इसको प्रूव करो यूजिंग वेव थ्योरी, देखो इसको स्टडी करते हैं, हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आप देखो हमारे पास ये है प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस ट्रेवल कर रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे ने यहां हिट किया, ये लाइट रे मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के लो, एक और लाइट रे है हमारे पास, हम अज्यूम कर लेते हैं ये मूव कर रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, थ्री लाइट रेस है मतलब कि एक प्लेन वेव फ्रंट मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, कुछ टाइम के बाद ये वेव फ्रंट ने के सेकंड पॉइंट तो जस्ट सरफेस के पास में है। ठीक है यहां से हमने सेकेंडरी वेवलेट्स को ड्रॉ किया इस डेल्टा टी टाइम के लिए, ये मूव कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट सी के लिए, जो फर्स्ट है ये रीच कर गया यहां पर, जो थर्ड है ये भी रीच कर गया यहां पर, कॉमन टेंजेंट लेके हमने एक प्लेन वेव फ्रंट को ड्रॉ कर दिया, ये वेव फ्रंट है जो जस्ट स्ट्राइक कर रहा है इस पर्टिकुलर ग्लास सॉरी इस पर्टिकुलर लेंस को जो ग्लास से मेड है। अब क्या होगा यहां पर मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, ये हमारे पास है ए बी और सी पॉइंट, बी पॉइंट सरफेस को जस्ट टच कर रहा है, ए पॉइंट को कुछ डिस्टेंस कवर करना है, सी पॉइंट को भी कुछ डिस्टेंस कवर करना है भी एयर में। अब जनरली क्या होगा नेक्स्ट फर्दर डेल्टा टी टाइम के बाद हमने स्टडी किया,
अब ये जो ए पॉइंट है ये मूव कर रहा है हमारे पास इस पर्टिकुलर कन्वेक्स लेंस में, एंटर कर रहा है, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। बी पॉइंट भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो बी पॉइंट है हमारे पास ये इस सरफेस से बाहर आ जाएगा, ये पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं बी प्राइम, ठीक है। अब जो बी बी प्राइम डिस्टेंस है ये कब हमने चेक किया, डेल्टा टी टाइम के बाद, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, वी डेल्टा टी, वी कम हो गया, ठीक है। तो इसने कम डिस्टेंस कवर किया मीडियम के थ्रू, ये बाहर आ गया। अब जो ए पर जो पॉइंट है लाइक प्लेन वेव फ्रंट ए बी सी पर जो ए पॉइंट है ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एयर के थ्रू और फिर यहां पर इस मीडियम के थ्रू। ये अगर मान लो कि स्ट्रेट पास करेगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये क्या करेगा जब इस मीडियम के थ्रू पास करेगा तो ये अपने आप की चेंज करेगा। तो हमारे पास यहां पे है ये कुछ बेंड करेगा यहां पर, तो लाइक जो ए पॉइंट है ये हमारे पास यहां पे होगा सेम एज इट इज, ये थोड़ा सा बेंड करेगा स्लाइटली ताकि ये रेस जब बेंड करेगा तो हमारे पास ये ज्यादा डिस्टेंस कवर ना करके लाइक जितना डिस्टेंस बी डेटा टी टाइम में कवर किया, ठीक है, लाइक बी बी प्राइम डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया वी डेल्टा टी, स्पीड कम है तो डिस्टेंस क्या हो गया कम, ए ए प्राइम को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, ज्यादा डिस्टेंस कब कवर कर सकता है जब ये बेंड करे। सेम एज इट इज जो सी है ये आ गया सी प्राइम पॉइंट पर, क्योंकि इससे भी कवर करना है ज्यादा डिस्टेंस एयर के थ्रू फिर लेंस के थ्रू और फिर एयर के थ्रू, तो ये भी आ गया सी प्राइम पॉइंट पर, तो ये स्लाइटली बेंड हो गया, ये बेंड इसलिए हो गया ताकि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट सी और फिर मीडियम का वी और फिर स्पीड ऑफ लाइट सी, तो इन्हें कुछ ये डेल्टा टी टाइम के बाद ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम पोजिशन पे है। अब ये वेव फ्रंट हमारे पास फर्दर अप्रोच कर रहा है, तो ए प्राइम टी यहां होगा कुछ टाइम के बाद बी प्राइम यहां पर और सी प्राइम यहां पर, तो ये न्यू वेव फ्रंट। अब ये फिर से अप्रोच कर रहे हैं ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम ये वेव फ्रंट और फिर ये इस पॉइंट पर हिट कर जाएंगे। तो हमारे पास ये हो गया, इस पर्टिकुलर केस में हमने स्टडी किया कि हमारे पास जो वेव्स हैं लाइक हमारे पास जो रेस हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये वेव की फॉर्म में कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, इनका हमने स्टडी कर लिया कि हाइगंस के प्रिंसिपल को यूज करके। जनरली क्या है, जो ए ए प्राइम और डिस्टेंस है ये ज्यादा होगा बी बी प्राइम से, क्योंकि ये एयर में भी ट्रेवल कर रहा है, लाइक हमारे पास यहां पर जो लेंस है और इस पर्टिकुलर केस में एयर है, यहां भी हमारे पास क्या है एयर, तो एयर के थ्रू भी ट्रेवल कर रहा है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा हमारे पास सी, फिर लेंस में ट्रेवल करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा वी, नेक्स्ट फर्दर ट्रेवल कर रहा है हमारे पास एयर में तो यहां पर भी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा सी, तो जनरली अब क्या होगा ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू बी बी प्राइम, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें एक फोकस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर लेंस के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने स्टडी किया कि वेव थ्योरी जो हमने स्टडी किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेनास को। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं, थैंक यू।